¿Verdad? Vardhan, niche, niche, niche. Appu, please, auntie ko please kuch mat karo. Chhod do unhe. Pakka, chhod do. Nahi, nahi. Please, appu, ye pagal pat mat karo. Bahut shauk hai na tumhe apne parivar ko mujhse bachane ka. To ye bhi to tumhare parivar ka hi hissa hai na. मित्तल परिवार की बड़ी बहू और एक बेहद घटिया इंसान. सही सोचा था तुमने. मेरे इरादे इन्हें लेकर बिल्कुल ठीक नहीं. इन्हें जिंदा देखकर मेरा खून खौलता है. तो बताओ क्या किया जाए इनके साथ. हाँ, या तुम इन्हें यहीं से गिरा दो और तुम हीरोइन की तरह आकर इन्हें बचा लो. क्या तो मैं वो करूं? जो एक विश्वकन्या करती है. वरदान, अगर मेरी एक खरोच इन्हें लग गई तो ये बहुत आराम से ऊपर चली जाएंगी. और अगर मैंने इन्हें यहां से छोड़ दिया तो इनके बॉडी के जो बचे कुछ पार्ट्स हैं उनका भी डब्बा गुल हो जाएगा. तो बताओ क्या करूं? तुम्हारी नंदिता आंटी का. नहीं! आंटी को कुछ मत करना प्लीज. तुम मेरी जान ले लो. प्लीज आंटी को कुछ मत करना. मल्ले ने बहुत भरोसा करके उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है. तुम जो कहोगी ना मैं वो करूंगी. प्लीज उन्हें कुछ मत करना. वाओ वरदान, तुम तो सच में एक आदर्श बहू. पर मुझे तुम्हारी जान नहीं लेनी है. मैं तो बस तुम्हारा मुंह बंद करवाना चाहती थी ताकि तुम ये मेरा राज मेरा सच सबको बता दूंगी ये कह कहकर मेरा दिमाग ना खराब कर दो. तो मंजूर ना? हाँ मंजूर. मंजूर. नंदिता काकी, कितनी प्यारी है ना आपकी बहू. ऊपर आ जाओ वरदान. आ रही. जल्दी आओ. काम डाउन मले. शायद रॉन्ग नंबर था. शायद किसी ने गलती से कॉल कर दिया होगा. शायद किसी और की मासी बीमार होगी. तुम्हें तो पता है ना माँ का कुछ भी सुनकर कैसे भी रिएक्ट करती होगी. चुप कर. इतना गंदा मजाक कौन करेगा. प्लीज गॉड, प्लीज वरदान बिल्कुल ठीक हो और मां भी. अभी वरदान को फोन कर. हाँ. डिस्टर्ब करते हैं ना लोग हमें. तो अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए वरदान? भाभी फोन नहीं उठा रही. मले मले आराम से
अरे लगता है मासी की जगह मेरे ऊपर जाने का टिकट कट गया है। माँ देखो वरदान, मैं ऐसे बिना बात के किसी को नहीं मारती, मैं वो हूं ही नहीं। वो फितरत तो किसी और की है। तो प्लीज समझो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूं, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मले या किसी और के सामने मेरी सच्चाई बता दो। तो अब फैसला तुम्हारा है वरदान, या तो हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखो या हमेशा के लिए अपनी जान गंवा दो। तुम्हारी सच्चाई किसी से छुप नहीं सकती अप्पू। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मले वरदान, देखो वरदान, तुम्हारी जान मेरे हाथों में। देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, सच्ची मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, पर बन सकती हूँ। अपनी जान बचानी है ना तुम्हें, पर तुम वादा करो मुझसे कि तुम मेरा सच किसी से नहीं कहोगी, मले से भी नहीं। लाश से कह सकती हो, आई डोंट माइंड। चलो करो वादा, करो वादा। तो क्या डिसाइड किया तुमने वरदान? अपनी जान बचाने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है तुम्हें? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी प्लीज। भाई तो ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। मौत मेरे सामने थी और मैं वरदान के बारे में सोच रहा था। वो मेरा आखिरी ख्याल थी। प्लीज गॉड वरदान बिल्कुल ठीक हो। भाई भाई अब चलते हैं। हाँ चलना चाहिए, आराम से चलाना। अभी वरदान जब मानना ही था तो इतनी मेहनत क्यों करवाई? हाँ तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? पता मुझे कितनी फिक्र हो गई थी। थैंक गॉड
तुम ठीक हो। आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ये मौसी जी कैसी हैं? अरे मासी जी बिल्कुल ठीक हैं। पता नहीं इतना डर्टी और गंदा मजाक किसने किया? अभी उस फोन पे ट्राई कर रहे हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं कितने नॉनसेंसेस लोग होते हैं इस दुनिया में। नहीं चाची, ये कोई मजाक नहीं था। उस दिन माँ का रात को बाहर मिलना और अब आपको ये प्रैंक कॉल, ये सब कोई जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। पर पहुंचा नहीं पाएगा, है ना? हाँ मले, हमारे परिवार का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? सॉरी, कैसे हुआ ये? मेरा पैर फिसल गया था तो मैं रेलिंग से गिरी थी। वरदान, तभी अप्पू ने मुझे बचा लिया। थैंक्स अप्पू। मासी की स्ट्रेसिंग के कारण ना मैं ब्यूटीफुल स्लीप भी नहीं ले पाई। मैं तो जाके सो रही हूँ। हाँ चल चल, तू भी चल सामान लेके। हाँ मैं भी चेंज कर लेता हूँ। माँ आप भी रेस्ट कर लीजिए। वेरी गुड वरदान, तुम्हारे पास एक मौका था मलय को सब सच बताने का, पर तुमने नहीं बताया। लगता है मैंने तुम्हें अच्छी तरह से डरा दिया है ना? मुझे तुमसे डर नहीं लगता अप्पू, मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी, सही समय पर, अपने हिसाब से, तुम्हारे नहीं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं यहाँ मंदिर जाने का बहाना बनाकर आई हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। उस विषकन्या के खिलाफ आप कैसे पता कि वो एक विषकन्या है?
मारे को सब पता था छोरी, बहुत पहले से। मैं तो थारे खुद से जानने का इंतजार कर रही थी। पर सब कुछ जानने के बाद भी मैं उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं ला पा रही, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी। अगर मैंने किसी को भी उसका सच बताया तो वो मेरे परिवार को। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? माना तू उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं ला सकती, अगर वो खुद अपनी सच्चाई सबके सामने ले आवे तो। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत चालाक है, वो ऐसा करेगी ही नहीं। ऐसे करेगी, वो जरूर करेगी। अगर वो विश्वकन्या है तो वो करेगी, कल रात ही करेगी वो। कल की रात तो इस वरदान के चक्कर में तो मैं भूल ही गई। कल तो सावन की पहली अमावस की रात है, एक विश्वकन्या के लिए सबसे मुश्किल और काली रात। पर गहरी काली रात है उसके लिए, सागर की तरह विश्वकन्या पर भी चांद का गहरा प्रभाव पड़ता है। अमावस्या की रात को ताकत बहुत कम हो जाती है, और अगर सावन की पहली अमावस्या हो बहुत भारी होती है वो उसके लिए। और कल वही काली रात है अमावस की, सात से आठ के बीच में वो अपने असली नीले रूप में आ जाएगी, उसका जहर बेअसर हो जाएगा। सात से आठ के बीच में वो अपने असली नीले रूप में आ जाएगी, उसका जहर बेअसर हो जाएगा। और कल वो अपने जहर से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ना ही अपने असली रूप को किसी से छुपा पाएगी। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, बस खुद को सबकी आंखों से छुपाना। कल अपना सच छुपाने के लिए मुझे सबसे छुप कर रहना होगा। बचपन से ये रात मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल रही है, पर इस बार तो माँ भी नहीं है मेरे पास। मामुनी, मामा, मामुनी, 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 बहुत दर्द है, कुछ कह रही है। बस शोना, बस एक ही दिन की बात है, मैं हूँ ना तेरे पास। हर साल यही नियम रहा है, और इस बार भी मुझे यही करना होगा। क्योंकि अब मेरा विश अपनी सारी शक्तियां खोना शुरू कर देगा। दुनिया से छुपाने का
निष्कन्या की ताकत तो इस अमावस के आठवें पहर से पहले ही खत्म होने लगती है। फिर वो किसी को मार ना सके, फिर उसका पकाया हुआ, उसका छुआ हुआ किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। क्या समझ गई ना?